सोते नर समाने तो खोते मेरे कुरान अंदे ना तो खोते मेरे कुरान कहना प्यारे की गुरु महाराज की लाल की जय हो महाराज की जय हो। हेलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सतगुरु महाराज की श्री श्यामा महारानी की महाराजा श्री छत्रसाल जी की स्वामी श्री लालदास जी महाराज की इधर वाले जयकारा नहीं बोल रहे ये प्रधान जी भी नहीं बोल रहे इधर ये पुजारी जी तो अभी जाके बैठे हैं पर ये चार पांच जने जयकारा नहीं बोल रहे प्राणनाथ प्यारे की तभी आवाज तेज हुई ना अभी आप नहीं बोल रहे थे दम ही नहीं था इनमें है ना श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की अब ठीक है श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशोभरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी ना श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज ज्यारे दनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे वली गया काम सराणे चढ़े मन चितव्या कारज सरे मन चितव्या कारज सरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम अपने चितवन से सुरता के द्वारा धाम धनी जी के श्री चरणों में श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में चलते हैं और श्री जी साहेब जी के श्री चरणों में सष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और उन्हीं के चरणों में स्थान ग्रहण करते हुए अपना एक भाव रखते हैं। पन्नरों का निज धाम है यहाँ रूहों को आना पड़ेगा पन्ना रूहों का निज धाम है यहाँ रूहों को आना पड़ेगा पन्ना रूहों का निज धाम है यहाँ रूहों को आना पड़ेगा पन्ना रूहों का सभी बोलिए जो बोलेगा वो पन्ना जी जाएगा यहाँ आकर के सब रूहों को देखो सजदा बजाना पड़ेगा
पन्ना रूहों का निज धाम है, यहाँ रूहों को आना पड़ेगा। और सारी शोभा परम धाम की उतर आई है, देखो यही सारी शोभा परम धाम की उतर आई है, देखो यही और सारी शोभा परम धाम की उतर आई है, देखो यही सारी शोभा परम धाम की उतर आई है, देखो यही। यहाँ मेहरों के सागर भी है, यहाँ रूहों को आना पड़ेगा। यहाँ मेहरों के सागर भी है, यहाँ रूहों को आना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, यहाँ रूहों को आना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, यहाँ रूहों को आना पड़ेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंदिर के अंदर साक्षात विराजमान श्री राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ जी, बाईजू राज महारानी साहिबा जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। यहां तखत पर साक्षात स्वरूप में विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जिनके हृदय में पांचों शक्तियां विराजमान हैं, जो श्री बंगला जी में बैठकर इस समय बीतक लिख रहे हैं और आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं, और आज तो वो अपनी जागनी की बात बताएंगे। जो बीतक लिखने वाले हैं आज उन्हीं की जागनी का दिन है। बोलो श्री प्राणनाथ स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। मंदिर के श्री पुजारी जी महाराज, हमारे श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के सभी ट्रस्टीगण, छोटे छोटे बच्चे एवं धाम धनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, जो 3 वर्ष से लाइव चर्चा सुन रहे हैं, और हमारे श्री गंगानगर के सुंदर साथ, जो अपने धाम धनी पर, अपने सतगुरु पर तन से, मन से, धन से, जीव से कुर्बान है, और ऐसे सुंदर साथ के श्री चरणों में सष्टांग दंडवत प्रणाम करके सजदा बजाया जाए तो भी कम है, क्योंकि धाम धनी की जो कृपा है, जो मेहर है, इस समय श्री गंगानगर सुंदर साथ पर जो बरस रही है ना, वो तो जिन दिया सो जान ही, या जिन लिया रस रंग। जिसने दिया है या तो वो जानते हैं, और या जिसने लिया है वो जानते हैं कि किस कदर हमारे धाम धनी ने झड़ी लगा रखी है, मेहरों की कृपा की झड़ी लगा रखी है ना। ऐसे धाम धनी का हम कितना शुक्राना बजाएं,
ऐसे सतगुरु जी का कितना शुक्राना बजाएं, जिन्होंने पल पल हम रूहों को अपनी नजरों में ले रखा है और पल पल उनकी नजर हमारे ऊपर लगी हुई है, नजरों रूपी कैमरा हमारे ऊपर लगा है, क्योंकि ठेका लिया है महाराज श्री ज्वारदास जी ने सारे सुंदर साथ को परम धाम ले जाने का। ठीक है, अब जो टीचर ठेका ले लेता है कि मैं आपके बच्चे को पास कराऊंगा या सेकंड डिवीजन इसकी आएगी, मैं मुझे चाहे ट्यूशन पढ़ाना पड़े, चाहे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, पर आपका बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आएगा, ऐसा कोई प्रॉमिस टीचर भी कर लेता है तो वो टीचर की जिम्मेवारी, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुबह से लेके शाम तक कि वो बच्चा क्लास में किस प्रकार से अपना काम कर रहा है, घर जाके होमवर्क कितना करता है कि नहीं करता, क्योंकि अब टीचर ने उसकी जिम्मेवारी ले ली ना। तो हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी ने हम सबकी जिम्मेवारी ले ली। उनको लगा एग्जाम नजदीक है, तैयारी नहीं हुई, सूत नहीं काटा, अजूत पाऊ न कातिया, इत चाहिएगा शेर भर पाइया ही नहीं काता, अजू हाथ न करी पूनी, अभी पूनी नहीं बनाई, अभी पाइया भी नहीं काता, और परम धाम के अंदर तो सूत तोला जाएगा, और सिरदार सखी की जिम्मेवारी बनती है कि भाई तुमने कतवाया क्यों नहीं, क्योंकि क्लास में बच्चा फेल होता है तो इंसल्ट किसकी होती है, क्लास टीचर की, कि क्लास टीचर ने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, है ना। तो हमारे सतगुरु जी ने हमारी पूरी जिम्मेवारी उठा रखी है ना, और हमें पल पल एक बगीचे को जैसे माली सींचता है ना, एक एक पेड़ का ध्यान रखता है, पौधे का ध्यान रखता है, पत्तों का ध्यान रखता है कि कौन से पत्ते सड़ रहे हैं, कौन से पेड़ पर कौन से अच्छे फल निकल रहे हैं, और कौन से पेड़ को पानी कम जा रहा है, कौन से पौधे को पानी अच्छे से सींचा जा रहा है, तो उसकी हर कोशिश होती है पूरा बगीचा एक जैसा खिले और पूरे बगीचे में एक जैसे फल आए और इस वर्ष की फसल बहुत ही अच्छी हो, ऐसा माली सोचता है। हमारे तो माली सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी, और मालिक आत्मा के कौन, महाराज श्री ज्वारदास जी। जयपुर में 75 सुंदर साथ ने परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी से तारतम ले रखा है, विचार कीजिए, क्योंकि वो घर घर जाके खुद चल के जाते थे, जैसे प्राणनाथ जी चिंतामणि जी के घर खुद गए ना, तब उस समय में कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं थी, कोई कार की नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां से ट्रेन पे बैठते या बस पे बैठते और बस स्टैंड से कोई फोन थोड़ी है, मोबाइल थोड़ी है, कॉल कर दें कि मैं आ रहा हूं, तो रिक्शा मिलता 1 रुपए में मिलता था तब रिक्शा, या 1.5 रुपए में, तो 1-1.5 रुपए में वे कोशिश करते कि मैं पैदल ही चला जाऊं, घर तो पास में ही है, ज्यादा दूर तो नहीं है, तो 2 थैले उठा के अपनी ट्रंकी उठा के और चल पड़ते, आके सुंदर साथ का दरवाजा खटखटाते, जो हमारा दरवाजा कुंडा खटखटाते थे ना, आज वही हमारी आत्मा का दरवाजा खटखटा रही है, भी कितने जागृत हैं, कितने सो रहे हैं, किसने सूत काता है और कितना काता है, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये तो नींद में है, पर सतगुरु जी कहते मैं तो जागृत हूं, मैं तो तुम्हें देख रहा हूं कि तुमने अभी तैयारी नहीं की, और अब ऐसी तैयारी, जैसे बोर्ड की परीक्षा में पेरेंट्स पीछे पड़ जाते हैं ना बच्चों के, कि अब तो तुझे खाली नहीं रहना, चल अंदर बैठ पढ़, ऐसे हमारे सतगुरु जी हमारी तैयारी करा रहे हैं परम धाम की, कि चलो रात को भी बैठो, सुबह भी बैठो, है ना, रात दिन लग के तैयारी करा के क्या करना चाहती हैं। और ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ना, इसका फल ये थोड़ी अगले जन्म में मिलेगा, हाथों हाथ मिलता है,
क्योंकि जब पानी पीते हो प्यास तभी बुझ जाती है और जब भोजन करते हो तो भूख तभी मिट जाती है। ऐसा थोड़ी है पानी आज पिया प्यास कल परसों या अगले साल बुझेगी, ऐसे थोड़ी होता है। जब पानी पीते जाते हैं हमारी प्यास बुझ जाती है, ऐसे ही हम वाणी चर्चा सुनते हैं हमारी आत्मा की प्यास अंदर से बुझ जाती है ना। तो ये खुराक हमें दे रहे हैं ना, जो अभी देखना जितना जीवन बचा है ना, आप सभी अपनी आंखों से देखना ये ब्रह्मवाणी जो आप प्रातःकाल 8 बजे आके पढ़ रहे हो और ये ब्रह्मवाणी का चलिया जो महाराज श्री जी करवा रहे हैं, इसका फल क्या होगा आप खुद हैरान हो जाओगे। ऐसा जीवन बदलेगा, ऐसा बदलेगा, लगेगा कि हमारे हृदय के अंदर ये ब्रह्मवाणी ही नहीं, ब्रह्म ने राज श्यामा जी ने हृदय में वास ही कर लिया। ऐसे ही थोड़ी कोई 5 चौपाई कोई नहीं पढ़ सकता। आप 500 चौपाई बैठ के 1000 चौपाई बैठ के जो पढ़ रहे हो ना, इसका फल हाथों हाथ मिलने वाला है, हाथों हाथ। क्योंकि हमने सौदा कोई दुनिया वालों से नहीं किया, हमने अपने समय का सौदा अक्षरातीत से किया है, धाम धनी के साथ किया है। और ऐसे अक्षरातीत धाम के धनी जो 1 का करोड़ गुना लुटाने वाले, और ऐसे धनी के चरणों में जो हम सुबह भी बैठ रहे हैं रात को भी बैठ रहे हैं, तो आज महाराज श्री जी कहते ऐसे श्री गंगानगर के सुंदर सात के चरणों में तो कोई सष्टांग सजदा बजाए दंडवत प्रणाम करे तो भी कम है। जो सुंदर सात तन से मन से धन से धनी पर कुर्बान हो रही हैं, इसी को जागनी कहते हैं। जागनी कुछ और नहीं है, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख इश्क यही सो आवसी यही सो होइए सन्मुख, यही जागनी है। जागनी कुछ और थोड़ी है, हमें यही बैठे बैठे परम धाम का पता लग गया, हम राज श्यामा जी के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हैं, हमारी आत्मा ने हमें साक्षी दे दी। कहते गुण अंग इंद्रियों ने साख दी है कि मैं निज घर से आई हूं, है ना। तो ये साक्षी कहते सो इलम साख सबों को देवसी, सो आत्म साख सबों को देवसी पहुंचा इलम हमारा जीत। सबकी आत्मा साक्षी देने लग जाएगी जिसके अंदर ये इलम जाएगा। और सबसे बड़ी बात कहते जब रू को जगावे हुक्म तो रू आपे छिप जाए। दूसरी सुंदर सात की, श्री गंगानगर सुंदर सात की क्या पहचान है, जब रू को जगावे हुक्म, जिस आत्मा को श्री राजी महाराज का हुक्म जागृत कर जाए देगा, जो रू को जगावे हुक्म तो रू आपे छिप जाए, वो रू हुक्म के पीछे छिप जाएगी, कभी सामने नहीं आएगी कि आज के लंगर की सेवा मैंने दी है मेरा नाम बोल लो, नहीं। कहां छुप जाएगी, हुक्म के पीछे, अपने सतगुरु को आगे कर देगी, अपने धनी को आगे कर देगी, क्योंकि वो जागृत हो गई है, उसको पता है यहां मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब किसका है, अक्षरातीत धनी का है। श्री प्राणनाथ जी जागनी कर रहे हैं, जो आत्माएं जागृत हुई वो कहां समर्पित हो गई, श्री प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े, है ना। देखेंगे हम 5000 सुंदर साथ साथ चलेगा ठट्ठा नगर से कितने सुंदर साथ साथ चलेंगे, जो जागृत हो गए वो साथ चल पड़े। और ये साथ चलना क्या है, सतगुरु जी जो हमें ये वाणी पाठ पढ़ा रहे हैं हम उनके साथ चल रहे हैं, ये भी साथ चलना है ना। तो धाम धनी की अपरंपार कृपा हमारे सभी सुंदर साथ पर बरस रही है। कल हमने सुना कि किस प्रकार से महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज बीतक के अंदर चिंतामणि जी की जागनी का वर्णन करते हैं। आइए बीतक को आगे बढ़ाएं,
इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तित, साथ की आमदनी हुई जो इन बखत, चतुरा एक पो करना आवे श्री राज की सेवा में। बोलो श्री कहते ठट्ठा नगर के अंदर जोर शोर से वाणी चर्चा हो रही है और एक चतुरा पो करना ब्राह्मण है, वो श्री प्राणनाथ जी के लिए दूध लेके आता है और जब दूध लेके आता है तो फिर चर्चा चल रही होती है, दूध वाला भी चर्चा सुनने के लिए बैठ जाता है। ल्यावे दूध नित्या ने सुनी चर्चा कानों से, नित्य प्रति दूध लेके आता है और चरणों में बैठ के फिर चर्चा सुन के ही जाते हैं। सोचते भी चलो दूध तो दे ही दिया उनको, अब चर्चा चल रही है तो अपने भी थोड़ी देर बैठ के चर्चा सुन ले। और वहां पे ब्रिज और रास का वर्णन श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं, अखंड ब्रिज अखंड रास के सबलिक के कारण में ब्रिज अखंड है, महाकारण में महारास अखंड है। तो वो देख के बड़ा अचंभित होता है कि ये बात कभी किसी ने बताई नहीं कि ब्रिज भी अखंड है और महारास भी अखंड है ना। तो उसके बाद था उनके सोबत लालसो नित्याने बखार में होए। क्या कह रहे हैं बेला? हाँ, गोदाम के अंदर, वो वहां अपने गोदाम में होते हैं लालदास जी, वो भी भागवत कथा करते हैं, गीता के प्रवक्ता हैं, भागवत के प्रवक्ता हैं, है ना, क्योंकि लालदास जी महाराज आसबाई की आत्म है ना। तो कहते हैं तहां आए चतुरे कई, चर्चा सुन के आया जोई, वहां चतुरा दूध वाला आया, जो चर्चा सुन के आया ना तो लालदास महाराज जी के साथ बात करने लग गया, गोदाम में खड़ा होके दूध भी दे रहा है और बात भी करने लगा है। कहता है कहां ब्रिज अखंड क्यों कर, कहां रास अखंड, दूध भी डाल के दे रहा है और पूछ रहे स्वामी लालदास जी महाराज से कि लक्ष्मण सेठ जी आप तो भागवत के प्रवक्ता हो, भागवत कथा करते हो, ब्रिज की लीला कहां अखंड है और महाराज की लीला कहां अखंड है? ए तो तुम कह तो न्यारा जो ब्रह्मांड, मैंने भी आपसे भागवत सुनी है लक्ष्मण सेठ जी, आप रोज कहते हो भागवत में कि वो ब्रह्मांड न्यारा है, न्यारा ही है वो ब्रह्मांड, पर वो न्यारा है अलग है, वो कहां है? तब चतुरे ने कहा क्यों आवे तुम्हारी नजर, चतुरा क्या कहते हैं लालदास जी को, तुम्हारी नजर में आने वाला नहीं है, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे क्यों कर होवे फजर। तो लालदास जी ने कहा वो जो न्यारा ब्रह्मांड है ना वो दिव्य दृष्टि से दिखता है, दिव्य दृष्टि से मतलब आत्मा की दृष्टि से दिखता है अखंड ब्रिज और अखंड रास, हर कोई नहीं देख सकता और एक चरम दृष्टि से नहीं कोई देख सकता है ना। तो कहते हैं चरम आंख क्यों देखी इन हाल सब सृष्ट, लालदास जी ने कहा सारी दुनिया का यही हाल है कि ये जो आंखें है ना ये नहीं देख सकती ओ अखंड ब्रिज को और अखंड रास को। पांच तत्व तीन गुण को जब भयो ब्रह्मांड को नाश, कौन कह रहा है? चतुरा पो करना है। तब ब्रिज और रास की ठोर कहां रही खास, क्योंकि इतनी चर्चा सुन के आया है दूध वाला चतुरा पो करना ब्राह्मण। कहता है कि जब पांच तत्व और तीन गुण अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश सतो गुण रजो गुण तमो गुण है ना, और ये सारा ब्रह्मांड इसका जब नाश हो जाएगा तब ब्रिज और रास की ठोर कहां रही खास, आप बताओ ये वाला ब्रिज मंडल जो यहां दुनिया के अंदर गोकुल है, जो वृंदावन है, जिस गोवर्धन की सारे परिक्रमा करने जाते हैं, तो कहते ये जो ब्रिज है, ये जो गोकुल है, ये जो मथुरा है, तो जब महाप्रलय होएगी तो महाप्रलय में ये सारा प्रलय हो जाएगा ना, तो आप कहते हो वो अलग ब्रह्मांड है, आप कहते हो अखंड है। तो चतुरा पो करना कहता है लालदास जी को कि आप ये बताओ तो वो कहां पे है अखंड। तब चतुरे ने कहा
तब लालदास चौंकिया, ते कहां सुनिए बात, प्राणनाथ वो इतने बड़े प्रकांड विद्वान है स्वामी श्री लालदास जी महाराज, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पर एक दूध वाले से बात हो रही है और दूध वाले की बात का जवाब नहीं है स्वामी श्री लालदास जी महाराज के पास। तो लालदास जी महाराज जी कहते हैं जरूर ये कहीं से सुन के आया है, ये ब्रह्म ज्ञान है और ये ब्रह्म ज्ञान कहीं से सुन के आया है। तो कहते तब लालदास चौंकिया, लालदास जी कहते हैं मैं चौंक गया, क्योंकि लालदास जी की बीतक आ रही है ना, ये स्वामी श्री लालदास जी ने अपनी चौपाई खुद लिखी है ना, ते कहां सुनी है बात, तूने ये अखंड ब्रिज कहां है, अखंड रास कहां है, ये बात तूने कहां सुनी चतुरे पोकर ने, कहां सुनी, मोहे ठोर बताए दियो, एक कहां पाई सिफत जात, ये तो ब्रह्म सृष्टि की बात है, तूने ब्रह्म सृष्टि की सिफत को कैसे जान लिया, क्योंकि ये तो वही खोल सकते हैं, भागवत में भी लिखा है कि कौन खोलेंगे, वो परम धाम की आत्माएं इन गुज रहस्यों को खोलेंगी। तब चतुरे ने कहा कोई साध आया इन थोर, क्या कहा प्रदीप जी, चतुरा पोकरना क्या कहते हैं, कोई साधु कहां आया हुए, ठट्ठा नगर के अंदर एक चर्चा करने के लिए एक साधु जी आए हुए हैं, ठीक है, तहां चर्चा होत है ब्रिजरास की जोर, क्या कह रहे हैं पुजारी जी, हाँ वहां पे ब्रिज और रास की जोर शोर से चर्चा हो रही है, ठीक है। श्री महामत कहे ऐ साथ जी ए ठट्ठे की भी तक, महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये ठट्ठा की भी तक आप सुन रहे हो, ए मेहर सहयोग पर करी साहेब सुभान लोहक, मेरे साहेब ने अपनी सहयोग पर अपनी सखियों पर ये कृपा की है जो हमें जगा रहे हैं, है ना, श्री लालदास जी का मिलाप, बोलो श्री, पूरी बीतक में किसी एक को नींद आती है और किसी को नहीं आती, पर मैं नाम नहीं बोलूंगी, उनको पता है कि मैं पूरी बीतक के अंदर जिनको आती है नींद उनको पता है, मैं नाम नहीं बोलूंगी, है ना, एक सिंगल और कोई नहीं, ना कोई बच्चा ना कोई छोटा ना कोई बड़ा और कोई नहीं, अब उनको समझ आ गई, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, एक ठट्ठे की भी तक लालदास की मुलाकात, जिन भांत आए मिले सोए कहूं फेर बात, कहते लाडले सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज अब अपनी भी तक सुना रहे हैं, कहते एक ठट्ठे की भी तक, आप ठट्ठा नगर की भी तक सुन रहे हो और श्री लालदास की मुलाकात, उन्होंने श्री नहीं लगाया, हम लगाएंगे, उन्होंने तो कहा लालदास की मुलाकात, अपने नाम के आगे कोई श्री थोड़ी लगाता है ना, तो कहते जिन भांत आई मिले सोए कहूं फेर बात, जिस तरह से लालदास जी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए वो बात बता रहे हैं। तब लालदास से कहा मोको ले चलो तुम, किसको कहा रविंदर जी कि मेरे को लेके चलो, चतुरा पो करना ब्राह्मण को कि मेरे को लेके चलो, मैं जाए मुलाकात करूं, ए रहमत पावे हम, भाई तेरे पर इतनी बड़ी रहमत हो गई है, तेरे पर इतनी बड़ी कृपा हो गई है, मुझे भी ले चल, हम भी जाके उनका दर्शन करें और उनकी रहमत को पाएं। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलूं बिना उनके हुक्म, क्या कहा, देखो तो श्री लालदास जी महामती, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज को वो चतुरा पोकरना ब्राह्मण कहता है मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलूं, मैं पहले उनसे पूछ के आऊंगा,
बिना उनके हुक्म, ऐसे उनके हुक्म के बिना मैं उनके पास आपको लेके नहीं चलूंगा। मैं ले जा ना सकूं तुमको उनके कदम, मैं उनके चरणों में आपको लेके नहीं जा सकता। चतुरे आए अरज करी लाल चाह करे दीदार। बोलो श्री, कल वाली बात याद है इसलिए अच्छा जयकारा लगाया है, करारा सा है ना। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, वो कहेंगे मेरा तो लगाया ही नहीं, मैं भी तो चरणों में आया हूं। तो कहते चतुरे आए अरज करी लाल चाह करे दीदार, आके वो फिर दूध देने आया। चतुरा पो करना ब्राह्मण, फिर दूध देने आया अगले दिन, नित्य प्रति दूध देने आता है, वो भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लिए है ना। तो कहते हैं लालदास जी हैं, वो आपके दर्शन की बड़ी चाहत है उनके दिल के अंदर। और कहते लक्ष्मण उनका नाम है तालिब धनी निर्धार। कहते लक्ष्मण है उनका नाम, सेठ लक्ष्मण उनको कहते हैं। और लेकिन उनके बड़ी चाहना है हृदय में आपका दर्शन करने की। हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाओ सिताब। बोलो श्री, श्री प्राणनाथ जी ने हुक्म किया कि वो लालदास जी को जल्दी बुला के लाओ। काहू काहू ने मने करी, फेर मेर करी उनके बाब। बीच में ठट्ठा नगर के लोग बैठे थे सुंदर साथ, उन्होंने कहा प्राणनाथ जी मत बुलाओ, बहुत बड़ा सेठ है, 99 उनके वो पानी वाले जहाज हैं, नड़ीन में जहाज हैं, और भागवत गीता का प्रकांड विद्वान है, ना बुलाओ उनको। कहते काहू काहू ने मने की, किसी किसी ने बीच में बैठ के मना किया कि लालदास जी को ना बुलाओ। कहते फिर मेहर करी उनके बाब, उसके बावजूद भी प्राणनाथ धनी ने मेरे पर कृपा करी। अब श्री लालदास जी महाराज जी को वो सीन भी दिख रहा है भी किस किस ने मना किया था। बोलो प्राणनाथ, देखो कितनी खतरनाक घड़ी है, क्योंकि लालदास जी तो आंखों देखा हाल लिख रहे हैं। अब उस समय में जो सुंदर साथ बैठे होंगे जिन्होंने मना किया होगा, उनकी शक्लें दिख रही हैं, उनके चेहरे दिख रहे हैं, क्योंकि लीला देख के लिख रहे हैं, पहले देखते हैं सीन को फिर लिखते हैं। इनको क्या पता मेरे लिए किसी ने मना भी किया था, इनको क्या पता। और वो थोड़ी बताएगा चतुरा पो करना आके कि आपके लिए कुछ लोग मना कर रहे थे, नहीं, श्री लालदास जी महाराज सीन देख रहे हैं। इसलिए रोज कहते हैं सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के, यहां बैठते हो ना और सुबह से लेके घर में रहते हो ना, ये सारे सीन की इसको कवर किया जा रहा है। जैसे हमारे प्ले कवर किए जा रहे हैं ना, किसने कैसा रोल किया, किसने कैसा किया है ना, तो हमेशा के लिए यूट्यूब पे रहेंगे, जब मर्जी कोई देख ले है ना। तो ऐसे ही ये हमारे जितने सीन है ना, हमने खेल में आके जो कुछ भी किया है, ये सारा कुछ दिखाया जाएगा। कहां पे? परमधाम के अंदर। वो सीन ये यहां बैठ के देख लिया इन्होंने कि काहू काहू ने मने करी, फिर मेहर करी उनके बाब, उसके बावजूद भी मेरे प्राणनाथ धनी ने मेरे पर कृपा करी। आया गुलाम ने चतुरा, चला अपने संग लगाए। आया बुलाने के लिए कि प्राणनाथ जी ने आपको बुलाया है और अपने साथ लेके चल रहा है। आए पहुंचे कदमों, भेंट करी बनाए। बोलो श्री, आके चरणों में प्रणाम किया। और आस भाई आज अपने प्रीतम अपने धनी प्राणनाथ के साथ मिलन करती है। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। बोलो श्री, जैसे ही दर्शन किया अपने प्रीतम का अपने साहिब का, तो कहते देखते ही आत्मा को बड़ा सुख मिला। एक बार देखते गए, जाके मत्था टेका, उनके मुखार बिंद को देखा स्वामी श्री प्राणनाथ जी के। और श्री प्राणनाथ जी ने मुस्कुराते हुए देखा होगा, क्योंकि वो भागवत के विद्वान हैं, गीता के है ना, और सेठ हैं,
नरीन में जहाज है, चरणों में आए हैं, उन्होंने मत्था टेका, प्रणाम करी, तो प्राणनाथ जी मुस्कुराए होंगे, और मुस्कुरा के जैसे ही देखा तो कहते देखते देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, मेरे दिलवर तेरा मुस्कुराना, मेरे दिलवर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबू है, मेरे दिलवर तेरा मुस्कुराना, मेरे दिलवर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल है। देते हैं लाड कैसे रूहों को, देते हैं लाड वो बताने के काबिल नहीं है, देते हैं लाड मेरे दिलवर तेरा मुस्कुराना, मेरे दिलवर प्राणा प्यारे की। ये तो श्री जी की एक झलक देखने के लिए एक लाइन गाई कि हम भी उनके स्वरूप का दर्शन तो करें, कैसे बैठे हैं और कैसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज चरणों में आए हैं, तो कहते देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, इतना सुख मिला मन की कुलफत सब मिटी, भाग गया सब दुख, दर्शन करते ही मन की जन्म जन्मांतर की मैल उतर गई। देखो हम प्राणनाथ जी की वाणी का दर्शन करते हैं ना जब, तो जन्म जन्मांतर की मैल उतरती है जब हम उनके सन्मुख आके बैठते हैं। तो कहते हैं फिर अगर कर्म भी कट जाए, मैल भी उतर जाए, तो उसकी क्या निशानी है, फिर उसकी क्या निशानी है कि मेरे अंदर की मैल हट गई है, मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म कट गए हैं। तो कहते जब विरह से आंखों से जलधार बहने लगी, जब जब प्रीतम की बात सुने और धनी के पास बैठे वाणी पड़े और आंखों से जलधार बहने लगे, तो समझ लो अंदर की कुलफत, अंदर की मैल और सारे कर्मों को प्राणनाथ जी ने काट दिया है, इसलिए वाणी पढ़ रही है, चर्चा सुन रही है, रो रही है। और जब तक कर्म नहीं कटते, जब तक मैल नहीं हटती, तब तक बिना विरहा ना होवे रू पाक, विरहा के बिना आत्मा निर्मल नहीं होती है ना। तो कहते दर्शन करते ही मन की कुलफत सब मिटी, भाग गया सब दुख, और प्राणनाथ जी के चरणों में आके जब हम बैठते हैं ना, चाहे साक्षात वाणी का दर्शन हो, चाहे प्राणनाथ जी के स्वरूप का दर्शन हो, कोई फर्क नहीं है। जैसे हजार साल बंदगी का फल प्राणनाथ जी का दर्शन करने से मिलता था उस समय में, आज भी प्राणनाथ जी कहीं गए नहीं है। श्री कुलजम स्वरूप शुभ वाणी है, श्री प्राणनाथ की दे जो श्रद्धा कर सेव ही, ताके मिटे संदेह। प्राणनाथ जी वाणी के अंदर साक्षात बैठे हैं, साक्षात धाम के धनी विराजमान है। और जितना समय हम धनी का दर्शन करते हैं, चरणों में बैठते हैं, तो हमारे बंधन कटते जाते हैं, अंदर की मैल हटती जाती है, और फिर ऐसे पल आते हैं जब बात बात पे रो रोने लगे, खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में गावे गीत, खिन सुद ना रहे ए ब्रह्म सृष्टि की रीत। खिन में हंसे, कभी हंसती हंसती फिर रोने लग जाती है, फिर उनके गुण गाने लग जाती हैं, कहते ये तो ब्रह्म सृष्टि की रीति है जो जाग गई है ना। भाई चर्चा ब्रज की देखी सुनी सब कान,
तब आपे ईमान की हो गई पहचान। कहते देखी भाई चर्चा ब्रिज की। अब आप हमें बताएं कि श्री प्राणनाथ जी जागनी करने के लिए जहां भी जा रहे हैं, लाइव सुंदर साथ जी आप सभी से भी बात कर रहे हैं, शिरजी साहिब जी आप सभी कान खोल के सुनिए, है ना, आप सभी हकीकत और मार्फत की बात करने वाले इसी में हैं, ठीक है। अभी 142 सुंदर साथ आप सुन रहे हो, है ना। तो देखिए जहां श्री प्राणनाथ जी गए, जिस शहर में गए, जिस जगह पे गए, उन्होंने जागनी का काम शुरू किया, तो पहले ब्रिज की लीला का वर्णन किया, फिर रास की लीला का वर्णन किया, आत्माओं को जगाया, तो ब्रिज और रास की लीला का वर्णन कर करके सुंदर सात की जागनी की। ये जागनी करेगी ना, वो इसलिए बोल रही है। तो कहते सुनी, कहते भई चर्चा ब्रिज की, देखी सुनी सब कान। अब ब्रिज की लीला क्या है जो हमने 11 दिन तक सुनी इसी तखत पर बैठ के। हमारी श्री जी ने वर्णन किया कि क्यों ना हम ब्रिज की लीला वर्णन करें, क्योंकि हम ही आए ब्रिज रास में, हम ही आए इत घरों बैठे देखी यही तमाशा तित। हम ब्रिज में आए हैं, हमारा ब्रिज मंडल का बचपन है और रास हमारी जवानी है और हकीकत और मार्फत प्राणनाथ जी का बुढ़ापा है। ये बुढ़ापे की लीला है, तीन लीला है, है ना। तो हमारा मतलब अगर बचपन हमारा है तो बचपन में नाक बहता है, बचपन में हमने क्या पहनना होता है, तो हम सोचें ये मेरा बचपन नहीं है। बचपन में हमारी कोई फोटो दिखाए तो हम सोचे ये हमारा बचपन नहीं है, इसकी हम बात क्यों करें बचपन की। हमारी बचपन की फोटो आज भी हम पूछते हैं और किसी की एल्बम में मिल जाए ना तो उसकी फोटो खींच के लाते हैं, ये मेरे छोटे होते की। तो कितना प्यारा है अपना बचपन, और वो किसकी लीला है, ब्रज की लीला श्री कृष्ण जी ने की। और हर बात में श्री कृष्ण जी को श्रीराज ही बोलते गए दीप बंदर में, कि हम श्रीराज के अंग संग रहते, है ना। तो कहते ब्रिज की लीला से जागनी करी है, और आसमाई की आत्म स्वामी श्री लालदास जी महाराज ब्रिज की लीला से जागृत हो रही हैं। तो कहते जैसे ही भई चर्चा ब्रिज की, देखी सुनी सब कान, ब्रिज कहाँ अखंड है, सबलिक के कारण में ब्रिज अखंड है, मां कारण में महाराज अखंड है, तब आपे ईमान की हो गई सब पहचान। बोलो श्री सुनते ही उनको विश्वास आ गया, चार घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मन, फेर के लाल घरों आए रा कदमों दिल मोमिन। कहते चार घड़ी चर्चा सुनी, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो चार घड़ी तक चर्चा सुनी कितने मिनट हो गए, 90. बड़े मैथ वाले बैठे हैं सारे यहीं पे। अच्छा चलो डेढ़ घंटा चर्चा सुनी, डेढ़ घंटा चर्चा सुनते ही उनको क्या हो गई, पहचान हो गई, ठीक है। कहते फेर के लाल घरों आए रहा कदमों दिल मोमिन, लालदास जी तो खुद घर आ गए पर दिल कहाँ छोड़ आए, दिल प्राणनाथ जी के चरणों में रह गया। फेर के चर्चा सुनने आए बेर दो चार, बाग में जिंदा दास कही धाम में बैठे बिना विचार। फिर कहते चर्चा सुनने आए दो चार बार और चर्चा सुनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी से लालदास जी महाराज जी ने, तो बाग में जिंदा दास जी मिले। जिंदा दास की धर्म पत्नी का क्या नाम था, ठाकुरी बाई, है ना। तो वो मिले, उन्होंने कहा कि आप निजानंद संप्रदाय में सूझबूझ के साथ गए हो, समझ के गए हो, या ऐसे निजानंद संप्रदाय में वाणी चर्चा सुन रहे हो। तो कहते फिर चर्चा मारकंड की कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातन की देखी दृष्ट एकांत। फिर आए चर्चा में तो श्री प्राणनाथ जी ने उस दिन मार्कंड ऋषि की चर्चा सुनाई। अब हम सारे मार्कंडे हैं, हमारी कथा है ये, अब सारे जाग के सुन लें,
कि एक मार्कंड ऋषि थे, प्राणनाथ जी सुना रही हैं, ये प्रकरण भी है हमारी वाणी के अंदर, मार्कंडे का दृष्टांत, सिंधी में भी मार्कंड ऋषि का दृष्टांत है। तो कहते एक मार्कंड ऋषि थे और वो नदी के किनारे तपस्या करते थे, और तपस्या करते करते एक दिन नारद मुनि जी आ गए उनके पास। बड़ी प्यारी सी कहानी है, वो अपनी है, ध्यान से सुनोगे तो जाग जाओगे। तो तपस्या का समय पूरा होने वाला था और दर्शन देने वाले थे उनको विष्णु भगवान जी, तो आ गए नारद मुनि जी, क्योंकि नारद मुनि जी को सारी खबर रहती है ना, सारी सूचना का काम उन्हीं को दिया गया है, सूचना प्रचार प्रसार मंत्री नारद मुनि जी महाराज हैं, ठीक है। तो उन्होंने आके कहा कि अपना आपको नारायण भगवान आके दर्शन देंगे, तो नारायण भगवान से मार्कंड ऋषि जी आप इतना मांग लेना कि मुझे चरणों में भी रखो और माया भी दिखाओ। क्या कहा? चरणों में भी रखो और माया भी दिखाओ। तो मार्कंड ऋषि ने कहा ठीक है, और जैसे ही वो नारद मुनि जी चले गए और आ गए नारायण जी, नारायण भगवान ने आके दर्शन दिए, और दर्शन देते ही मार्कंड ऋषि ने प्रणाम करी उनके चरणों में। उन्होंने कहा, नारायण भगवान ने कहा, मार्कंड मांगो, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, मांगो आप हमसे क्या मांगते हो। तो अभी सिखा के गए ना नारद मुनि जी, कहते आप अपने हमें चरणों में भी रखो, आपकी माया भी दिखाओ हमें, है ना, चरणों से अलग भी नहीं करना और माया भी दिखाना। इतनी देर में मार्कंड जी क्या रगड़ रहे थे? चंदन रगड़ रहे थे। कहते इतनी देर में मैं चंदन तो कर लूं आपका। और चंदन उन्होंने सोचे, नारायण भगवान ने जितनी देर में ये चंदन की लकड़ी को इधर करेगा, इतनी देर में तो मैं माया ही दिखा दूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वो चंदन रगड़ रहे थे, चंदन रगड़ते हुए अभी ऐसे किया है ना, वहीं हाथ रुक गया, और क्या देखा मार्कंड ऋषि ने कि महाप्रलय हो गई, पानी पानी हो गया, और पानी के अंदर मैं एक स्त्री हूं और मैंने वस्त्र नहीं पहने हुए, मैं पानी के अंदर डूबती जा रही हूं, और एक धोबी बैठा है नदी के किनारे, नदी के अंदर मैं डूबती जा रही हूं, एक धोबी बैठा है, और वो धोबी बैठा है, वो धोबी ने देखा धोबन को, उसको स्त्री को, मार्कंड ऋषि क्या बन गए? स्त्री बन गए। उस स्त्री को धोबी ने देखा, धोबी ने कहा, वो धोबी को कहती है मुझे बाहर निकाल दो, मुझे वस्त्र दे दो। धोबी कहता वस्त्र भी दूंगा बाहर भी निकाल दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कहते मैं आपको वस्त्र देता हूं, ठीक है, और आपको बाहर निकालूंगा, आपको मेरे साथ शादी करनी होगी, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, उम्र बहुत हो गई है। तो वो कहती निकाल लो तो सही बाहर, मतलब पानी में से तो बाहर निकालो, शादी कर लूंगी। कहते अच्छे से बोलो पहले कि शादी करोगी बाहर आते ही। तो उन्होंने बोला हाँ शादी कर लूंगी, मेरे को बाहर निकालो। तो क्या किया मार्कंड ऋषि को, जो स्त्री बनी हुई है धोबी ने उनको बाहर निकाल दिया, और जैसे ही बाहर निकाला, वस्त्र दिए, वस्त्र पहनाए, अब शादी होगी धोबी के साथ, क्योंकि अपना वादा तो निभाना ही था। अब शादी हो गई, पहला वर्ष तो ठीक बीत गया, और जैसे ही दूसरा वर्ष शुरू हुआ, घर में एक बच्चा आ गया। अब थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया घर में, क्योंकि वो बच्चे को भी संभालती हैं और बाकी जो ग्राहक है वो कपड़े लेने के लिए आते हैं, है ना। एक वर्ष तो उसने अच्छे से कपड़े खूब धुलवाए और उनकी मदद करी, लेकिन अब बच्चा छोटा है, उतनी मदद नहीं कर पाती जितनी पहले साल में करी। अब दूसरे साल में दूसरा बच्चा हो गया, तीसरे में तीसरा हो गया, ऐसे करते करते घर में 12 बच्चे हो गए मार्कंड ऋषि के यहाँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो वो इतना पीटने लगा वो धोबी, वो जो मार्कंड ऋषि के रूप में उसकी पत्नी है ना, वो उसको इतना पीटने लगा कि तू कोई भी काम नहीं करती है,
भी मेरे को बिल्कुल सारे ग्रह कटते जा रहे हैं, कपड़े धुलवाने वाले सब ग्रह कट गए, क्योंकि हम कपड़े धो के देते ही नहीं समय से और लोग हमारा काम छोड़े जा रहे हैं, हमारे पास ग्रह की नहीं है। तो एक दिन वो धोबन दुखी हो गई, जो मार्कंड ऋषि धोबी की पत्नी के रूप में है, एक दिन वो दुखी हो गई। जैसे ही धोबी धोबी घाट पे गया, पीछे से धोबन ने क्या किया, रस्सी टांग ली छत पे, फांसी का फंदा बनाया और अपने गले में डाला और लटकने लगी, तो बाहर से दरवाजा खटखटाया। नारायण भगवान ने देखा ये मेरे मार्कंड ऋषि तो आत्महत्या करने जा रहे हैं, बचाओ भाई, जल्दी से भाग के आए। मार्कंड ऋषि संत के रूप में, जैसे ही संत के रूप में आए, धोबन ने कहा मर गई मैं तो, बाहर आ गया धोबी, और उसने अगर ये रस्सी देख ली और मुझे देख लिया कि मैं क्या कर रही हूं, उसने फटाफट रस्सी खोली, उठा के छुपाई और फिर दरवाजा खोला तो बाहर खड़े थे संत जी महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो महात्मा जी कहते हैं हम कथा सुनाते हैं फिर भोजन पाते हैं, हम मार्कंड ऋषि की कथा सुनाते हैं फिर भोजन पाते हैं। धोबन बहुत गुस्से में थी, धोबन कहती उस संत को यहाँ पे 12-12 मार्कंडे पड़े हैं, बता पहले मार्कंडे की कथा सुनाऊं जो मेरे सर पे चढ़ रहा है पीछे से, के दूसरे की सुनाऊं के तीसरे की सुनाऊं, तू एक मार्कंड की कथा सुनाने आया है, मेरे घर में 12-12 मार्कंडे हैं, एक से बढ़कर एक है, कथा सुनाते हैं मार्कंड ऋषि की फिर भोजन पाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा धोबी आ गया तो अभी मारेगा अगर मुझे उसने कथा सुनते देख लिया तो। वो चले गए डरते हुए कि ये आज तो नहीं सुन सकती। दूसरे दिन फिर आ गए कि हम मार्कंड ऋषि की कथा सुनाते हैं फिर भोजन पाते हैं। वो कहती मेरे पास टाइम नहीं है, सुनानी है कथा तो जा धोबी को सुनाया, वो वहां बैठा है धोबी घाट पे, मेरे पास टाइम नहीं है, उसको सुनाया कथा जाके। तीसरे दिन नारायण भगवान ने कहा कि मुझे अपनी शक्ति देनी पड़ेगी। ओ तीसरे दिन उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान करी। पहले जो हम चर्चा सुनते हैं ना, हमें श्री राजजी महाराज पहले अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के हम एक घंटा बैठ के ये चर्चा नहीं सुन सकते। अब उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान की, अब तीसरे दिन अपनी शक्ति देके कहते हैं हम मार्कंड ऋषि की कथा सुनाते हैं। धोबन कहती चलो बोलो। अब उन्होंने सोचा भी 3 दिन हो गए इन्होंने भोजन नहीं किया, साधु तीसरे दिन भी घर से भूखा जाए ये अच्छी बात नहीं है। कहते अच्छा थोड़ा जल्दी बोलो क्या कथा है मार्कंड ऋषि की। तो नारायण भगवान जी जो साधु रूप में आए हैं बैठ गए कथा सुनाने के लिए। बोले एक मार्कंड ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करी, तपस्या से नारायण भगवान प्रसन्न हुए। जैसे ही नारायण भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो। तो मार्कंड ऋषि ने मांगा कि प्रभु आप अपने चरणों में भी रखो और अपनी माया भी दिखाओ। तो मार्कंड ऋषि चौंक उठे कि वो तो मैं हूं, देखा तो चंदन की लकड़ी हाथ में थी और चंदन रगड़ रहे थे, रो रो के चरणों में गिर गए और सोचने लगे कि ये मैं ही था जिसने इतनी मार धोबी से खाई और वो इतने बच्चों ने मुझे परेशान किया और मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। हे भगवान ऐसी माया है आपकी, मुझे नहीं देखनी आज के बाद, कभी भी नहीं देखनी। अब नारद मुनि जी क्या गए थे, मैंने तो इसलिए माया मांग ली, फंसा गए मेरे को, मैंने तो दर्शन ही करना था आपका इसलिए मैंने तो तपस्या की थी, पर माया देखने के बाद पक्के बन गए है ना। तो अब क्या हुआ, श्री प्राणनाथ जी लालदास जी को चर्चा सुना रही हैं कि लालदास जी परम धाम में मूल मिलावे में सब ब्रह्म आत्माओं ने कहा हमें चरणों में भी रखो और माया भी दिखाओ, हे धनी चरणों से जुदा भी न करना और हमें माया भी दिखाना। अब श्री राजजी महाराज ने एक क्षण के लिए इन ब्रह्म आत्माओं को कहा बैठो खेल दिखाता हूं, और जैसे ही खेल दिखाने लगे
तो इन्होंने अपने घर बना लिए, परिवार बना लिए, बच्चे पैदा कर लिए। अब कहते कौन तुम कौन हम, समझाइया समझे नहीं, माने ना फुरमान। कहे कौन तुम कौन हम, हमसो कैसी पहचान। लालदास जी को कहा हम सब आत्माएं मूल मिलावे में बैठ के, चरणों में बैठ के माया देख रही हैं, आंख खुलेगी सोई पल सोई घड़ी होगी। तो कहते हैं तब नजर खुली बातुन की, देखी दृष्टि एकांत, एकांत में अपने पर आत्मा ने तन को भी देख लिया। और कहते गीता और भागवत के सब दरवाजे खुल गए और अखंड वस्तु आ गई। आया जोश वस्त्र का रही ना कछु शुद्ध। अब तो वो जो वस्तु है तारतम और तारतम वाणी, उसका जोश आ गया, लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुद्ध। बोलो श्री। अब तो लौकिक दृष्टि उतर गई और जागृत बुद्धि हृदय के अंदर आ गई, और शुद्ध कछु न रही वही आवे याद, दृष्टि फिरी जो उत्थे अपनी बुनियाद। दृष्टि कहां पहुंच गई, मूल मिलावे के अंदर पहुंच गई। बोलो श्री प्राणनाथ। इस प्रकार से आसबाई की आत्म को महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने मार्कंड ऋषि की दृष्टांत सुना के जागृत किया। बाकी की चर्चा हम कल सुनेंगे। कितने सुंदर साथ और आते हैं ठट्ठा नगर के अंदर, वो कल लीला हम सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए हम सभी चौपाई दोहराएं। और शुद्ध कछु ना रही वही आवे याद, दृष्ट फिरी जो उत थे अपनी जो बुनियाद, अपनी जो बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी सबने हाथ ऊपर नहीं उठाए, वो लाइव देख रहे हैं आपको।